हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूजीसी केयर अप्रूव्ड लिस्ट किस तरीके से वेरीफाई करते हैं, हम किस तरीके से चेक करते हैं कि जर्नल यूजीसी केयर लिस्ट में है या नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ क्लोन्ड जर्नल के बारे में। मीन्स जब अगर हम ISSN नंबर या जर्नल का टाइटल डाल के यूजीसी केयर की लिस्ट में डालते हैं तो हमें वो जर्नल अप्रूव्ड दिखाई देता है, बट सेम टू सेम जर्नल की वेबसाइट नाम ISSN नंबर यूज करके कुछ क्लोन्ड वेबसाइट या क्लोन्ड जर्नल भी चल रहे हैं, उनकी लिस्ट यूजीसी ने प्रोवाइड की है। उस लिस्ट को कैसे चेक करना है और हमें उन जर्नल्स में पेपर पब्लिश करने से अवॉइड करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ गूगल में आप यूजीसी केयर जब भी डालेंगे तो यूजीसी केयर लिखने के बाद ये जो पहली वेबसाइट जो भी आती है yugcare.unipune.ac.in, ये सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी इस पूरी वेबसाइट को मेंटेन कर रहे हैं। तो जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर जाते ही आप देखेंगे लिस्ट ऑफ क्लोन्ड जर्नल्स, एक ग्रुप वन है और एक ग्रुप टू है। तो इन दोनों में जब भी आप जर्नल को सर्च कर रहे हैं तो इन ग्रुप में जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं उस जर्नल का नाम क्लोन्ड जर्नल्स में तो नहीं है। अगर है तो आप उसको अवॉइड कीजिए। देखिए जैसे ये मैं यहाँ पर इस पहले लिंक पर क्लिक करने से यहाँ पर आ गया लिस्ट ऑफ क्लोन्ड जर्नल्स ग्रुप वन। अब यहाँ पर ये देखिए ये प्रिंट जर्नल्स हैं जो इंक्लूडेड है यूजीसी केयर लिस्ट में, और दूसरा कौन सा है क्लोन्ड जर्नल जो यूजीसी केयर लिस्ट में इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे जो है ना टाइटल है आबरू, ये आबरू जर्नल ये यूजीसी केयर लिस्ट में इंक्लूडेड है, बट सेम नाम कॉपी करके बस टाइटल में आप क्या देखेंगे कि जो आबरू है ओनली आबरू दैट इज अप्रूव्ड इन यूजीसी केयर लिस्ट और इंक्लूडेड इन यूजीसी केयर लिस्ट, और आबरू जर्नल ये क्लोन्ड है। आप और देखेंगे कि ये ओरिजिनल जो अप्रूव्ड जर्नल है दैट इज इन पंजाबी लैंग्वेज, और जो क्लोन्ड है वो पंजाबी एंड इंग्लिश में। बाकी पब्लिशर आप देखेंगे पब्लिशर दोनों का सेम शो कर रखा है, ISSN नंबर दोनों का सेम शो कर रखा है, जो ओरिजिनल जर्नल है उसकी कोई URL नहीं है क्योंकि ये प्रिंट वर्जन है ओनली, और जो क्लोन्ड है उन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी शो कर रखी है। सिमिलरली यहाँ पर आप और भी देखेंगे ये एक जर्नल अधिगम, ये हिंदी में पब्लिश होता है, पब्लिशर यहाँ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ISSN नंबर 2394773X, बट जो इसका क्लोन्ड है वो है अधिगम इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिंदी रिसर्च, ये हिंदी एंड मराठी में पब्लिश होगा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पब्लिशर शो किया है, ISSN नंबर भी शो किया है और इसका एक वेब पेज भी है। तो अगर आप इसी तरीके से देखोगे तो ग्रुप वन में ये टोटल यहाँ देखेंगे 32 जर्नल्स ऐसे हैं जो क्लोन्ड हैं। तो जब अगर आप जब भी जैसे ये लास्ट में देखता हूं मैं ये वेस्लियन जर्नल ऑफ रिसर्च सेम नाम से इसका क्लोन्ड वर्जन बना हुआ है। अब इसका जो ओरिजिनल है इन्होंने इसका वेब पेज गिवन है, जो क्लोन्ड है इसका कोई वेब पेज नहीं है। ISSN नंबर देखेंगे 09751386 09751386। अब अगर जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप ISSN नंबर डाल के यूजीसी केयर लिस्ट में चेक करते हैं तो आपने यूजीसी केयर लिस्ट में चेक किया इस ISSN नंबर से तो आपको शो होगा कि जर्नल यूजीसी केयर अप्रूव्ड है, बट हो सकता है कि आप इसके ओरिजिनल जर्नल में ना पब्लिश करके क्लोन्ड जर्नल में पब्लिश कर दें तो वो आपका पेपर वेस्ट हो जाएगा। तो सब पहले तो आप अवॉइड करें कि सबसे पहले ISSN नंबर डाल के जर्नल को चेक करें कि जर्नल यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं है, यूजीसी केयर लिस्ट में वो जर्नल इंक्लूडेड है या नहीं। दूसरा फिर यहाँ चेक कीजिए कि कहीं उस जर्नल का नाम लिस्ट ऑफ क्लोन्ड जर्नल में तो नहीं है। लिस्ट ऑफ क्लोन्ड ये लिस्ट भी
अपडेटेड होती रहती है टाइम टू टाइम, तो जब भी आप पब्लिश कर रहे हैं उस टाइम पर चेक करें। ये ग्रुप वन है। सिमिलरली ग्रुप टू में भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलरली, जैसे ये अदाल्या, ये टाइटल, एंड जो क्लोन्ड है इसका वो है अदाल्या जर्नल। अब इन दोनों के वेब पेज पर अगर आप जाते हो, देखो ISSN नंबर 1301-2746, 1301-2746। अब ये ओरिजिनल जर्नल की वेबसाइट है जिसको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, और इसी के साथ साथ मैं ओपन करता हूँ क्लोन्ड जर्नल की वेबसाइट। तो ये क्लोन्ड जर्नल है, ये ओरिजिनल जर्नल की वेबसाइट है। अब मैं क्या करूं, इन दोनों को आपको पैरेलली शो करता हूं कि दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। ये ओरिजिनल वेबसाइट है। अब ये ओरिजिनल में यहाँ शो हो रहा है, जब आप क्लोन पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लियरली बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि ये यूजीसी लिस्ट में, यूजीसी केयर लिस्ट की ग्रुप टू में है। यू मे फाइंड अदालिया बाई सर्चिंग यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप टू। यानी ये क्लोन्ड वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये यूजीसी केयर लिस्ट में इंक्लूडेड है। इसका ISSN नंबर देखेंगे तो ISSN नंबर 1301-2746। अब चूंकि इन्होंने सेम ISSN नंबर यूज किया हुआ है, तो जब भी आप यूजीसी केयर की लिस्ट में ISSN नंबर से सर्च करेंगे तो आपको जर्नल शो होगा, बट ये आप गलत जगह पब्लिश करेंगे, मीन्स क्लोन्ड जर्नल में पब्लिश करेंगे। सिमिलरली ये जो अदालिया था, ऐसे यहाँ बहुत सारे जर्नल्स हैं। ये जो टोटल लिस्ट है 24 जर्नल्स की लिस्ट है इन ग्रुप टू। तो 32 हैं ग्रुप वन में, 24 हैं ग्रुप टू में। तो इन यानी अप्रोक्सीमेटली 56 जर्नल्स ऐसे हैं जो क्लोन्ड हैं। यूजीसी ने इनकी लिस्ट वेबसाइट पर डाली हुई है। तो आगे से जब भी आपको कोई भी पेपर किसी भी जर्नल में पब्लिश करना है, यूजीसी केयर जर्नल में पब्लिश करना है, तो आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले तो उसका ISSN नंबर डाल के यूजीसी केयर की लिस्ट में चेक करना है कि वो जर्नल यूजीसी केयर लिस्ट में है या नहीं है। सेकेंड थिंग ये चेक करना है कि वो नाम यूजीसी केयर की जो ग्रुप वन या ग्रुप टू जो क्लोन्ड जर्नल की लिस्ट है इनमें तो नहीं है। अगर इनमें है तो आपको उस जर्नल में पेपर बिल्कुल भी नहीं पब्लिश करना है। आशा है कि इस पूरे वीडियो को देख के आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, और आगे आप इन जर्नल में फ्रॉड में फंसने से बच जाएंगे। इसी तरीके के वीडियोस से जुड़ने के लिए, इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सर्कुलेट कीजिए, जिससे वो लोग भी इस तरीके के फ्रॉड से बच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।